Now, next straight question. 34, Sri Panitara. Question was regarding the medicine and medical equipment all the district hospitals of the state. I've seen the reply. After some extent, I have satisfied. लेकिन फिर भी इसमें एक बहुत बड़ा एक समस्या हमारा राज्य में जो चल रहा है. हॉस्पिटल्स में जब भी हमारे पेशेंट जाते हैं तो डॉक्टर्स जो है प्रिस्क्रिप्शन तो कर देता है मेडिसिन एंड टेस्ट. तो मेडिसिन जब प्रिस्क्रिप्ट करता है तो हॉस्पिटल में मिलता नहीं, वो बाहर से खरीदना पड़ता है. यहाँ पे रिप्लाई में दिया गया है कि मेडिसिन जो है फ्रीली किया जाता है और इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन वो जो है बफर स्टॉक से लिया जाता है एंड एमडी एनएचएम से भी वहाँ अवेलेबल किया जाता है. ये रिप्लाई दिया गया है. लेकिन मेरा ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी होगा, अगर मेडिसिन सप्लाई किया जाता है तो फिर हमें हमारा पेशेंट को बाहर से जो फार्मेसी से क्यों खरीदना पड़ता है, नंबर वन. नंबर टू, जो रिगार्डिंग इक्विपमेंट्स, इसमें हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में यहाँ पे दिया गया है अल्ट्रासाउंड और एक्सरे अभी देता है. तो फिर उसके बाद जितने भी जो लेबोरेटरी टेस्टिंग किट्स है तो उसके बारे में भी मैंने पूछा, वहाँ भी सप्लाई किया गया है ये बताया गया है. लेकिन जो MRI है सिटी स्कैन से, तो मेजर जितना भी जो जो बीमार है उसका जो टेस्ट के लिए हमको बाहर जाना पड़ता है. तो अगर यहाँ पे केवल कैपिटल में दिया गया है और एक डिस्ट्रिक्ट तिरप में दिया गया है जो सिटी स्कैन का, तो MRI जो ट्रिम्स में है ये दिखाया गया है. तो मेरा ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा कि जितना भी जो शॉर्टेज मेडिकल जो इक्विपमेंट्स है उसको जो गवर्नमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में कब तक प्रबंध किया जाएगा, अगर करेगा तो कब करेगा और नहीं करेगा तो रीजन क्या है. तो ये मेरा क्वेश्चन. थैंक यू सर. मिनिस्टर स्पीकर सर, मेडिसिन का कमी जो उन्होंने बोला है ये किसी किसी जगह में हो सकता होगा लेकिन हर एक जगह में नहीं है, क्योंकि मेडिसिन जिस तरह से हम लोगों ने रिप्लाई में दिया है मेडिसिन अवेलेबल है. जहाँ जब शॉर्टेज पड़ता है तो हम लोग एनएचएम या कैपिटल से यहाँ से टीम से हो कहीं से भी हो हम लोग पहुँचा देते हैं. लेकिन कभी कभी किसी किसी जगह में दूर दराज होने का वजह से पहुँचा नहीं पाता है, उसका हम लोग को खेद है. ये जल्दी ही अभी जिस तरह से रोड का टेराइन अगर ठीक ठाक हो जाता है और हम लोग जल्दी ही इसको सुधारने के लिए कोशिश करेंगे और दवाई जल्दी से पहुँचाएंगे. और कभी कभी क्या होता है कि फिर डिस्ट्रिक्ट में जो मेडिसिन जरूरत होता है वो कभी कभी होता नहीं, क्योंकि मेडिसिन कभी कभी सेंट्रल प्रोसेस होता है, उसका वजह से भी कभी कभी जो मेडिसिन का जरूरत जिस जगह में होता है कभी कभी नहीं पहुँचता. इसीलिए मैं इसके लिए मैं खेद बोलता खेद मानता हूँ मैं, और इसको जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग डिपार्टमेंट का तरफ से इसको फुलफिल करेंगे. दूसरा, उन्होंने सीटी स्कैन का बारे में बोला है. सीटी स्कैन MRI वगैरह जितना है हम लोग का 6 जो जनरल हॉस्पिटल है उसमें सब में इंस्टॉल किया गया है और हर एक जगह में. अभी हम लोग जैसे कि तवांग हो, तेजू हो और नमसाई हो, पासीघाट हो, उसमें हम लोग आपका ये टेलीकंसल्टेंट का थ्रू से हम लोग करता है. जैसे उसने लास्ट टाइम तवांग में विजिट किया था तो वहाँ में क्या है कि सीटी स्कैन हो, एक्सरे हो, जो भी हो, अगर हमारा वहाँ एक्सपर्ट नहीं है तो वो कलकत्ता बेस से PPE मोड में करके रखा है. तो वहीं से उन लोग जो जितना भी आपका बीमारियाँ है वो जो उसको उसके बाद भेजता है तो फिर वहीं से हम लोग को रिपोर्ट मिल जाता है. लेकिन अभी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इस अभी जितना जल्दी हो सके हम लोग कोशिश करेंगे कि ट्रिम से डायरेक्ट हो. जितना जनरल हॉस्पिटल है वो जितना भी अपना ट्रिम से ही डायरेक्ट टेली कंसल्टेंट का जरिए वहाँ सीटी स्कैन हो, एक्सरे हो, लेकिन अगर वहाँ एक्सपर्ट नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो हम यहाँ नाहर ट्रिम से ही हम लोग वहाँ से इसका रिपोर्ट कम से कम साथे साथ 1 घंटा 2 घंटा अंदर अंदर में उनका रिपोर्ट वहाँ में पहुँचाने का हम लोग कोशिश करेंगे. तो अभी हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं और बहुत जल्द मेरा ख्याल से हम लोग इसको कामयाब होंगे. थैंक यू. एनी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सर? आई हैव सर. ओके सर, ऑनरेबल मेंबर पंतराम का सर, उसमें आई वुड लाइक टू सप्लीमेंट सर. मैं करना चाहूँगा कि डायलिसिस जो मशीन है सर,
हमारे जो वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बमडला में दिया गया है, बट देन वो बिकॉज ऑफ टेक्नीशियन उसको अभी तक इंस्टॉल भी नहीं हुआ, बट देन समहाउ आई मैनेज वन एट दिरांग, लेकिन उसका जो तनख्वाह जो है जो उसको तो मैंने खुद अरेंज करा दिया, जो अभी एंटायर डिस्ट्रिक्ट को सर्विस दे रहा है, तो डायलिसिस वेस्ट कमिंग दिरांग में दे रहा है, तो उसका टेक्नीशियन को सिंस लास्ट टू ईयर्स आई एम पेइंग फ्रॉम माई सैलरी। तो सर मैं सर ऑनरेबल मिनिस्टर सर आपका करियर सर मैं सर आपसे सर एक आश्वासन चाहता हूँ कि सर हमारा टेक्नीशियन सर मेरा दिरांग को भी सर प्रोवाइड करे सर, और डिस्ट्रिक्ट का भी जो सर जो इतना बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा मशीन जो सर प्रोवाइड सब हम लोग प्रोक्योर करके रखा हुआ उसको भी सर आप कब तक करेगा सर, एक एश्योरेंस सर आपसे लेना चाहूँगा सर। एश्योरेंस देना तो थोड़ा तकलीफ होगा, हम लोग इसका ऊपर काम करेंगे, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा है कि मैंने भी दिरांग में जब मैं लास्ट टाइम तवांग गया था दिरांग भी मैंने विजिट किया, वहाँ जैसे उन्होंने कहा है कि डायलिसिस सेंटर है वहाँ पे, लेकिन टेक्नीशियन को वो शायद वो खुद पे कर रहे हैं। तो मेरा ऑनरेबल जितना अपना यहाँ में हाउस में मेंबर है, मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ में दूर दराज में जो डॉक्टर्स अभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, तो वहाँ में क्या कि डॉक्टर का कमी इसलिए होता है कि वहाँ क्वार्टर नहीं है डॉक्टर का रहने का। तो मेरा हाउस से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि टेक्नीशियन हो जिस तरह से पुरपा जी पे कर रहे, तो हम हमारे MLA से हो या SIDF से हो हम पे कर सकते हैं, और एक क्वार्टर अभी अपना डॉक्टर्स का क्वार्टर है, नर्स का क्वार्टर है, हमें SIDF में काफ़ी पैसा मिलता है, तो उसी से ही कम से कम हम एक एक अगर ऑनरेबल MLA एक एक क्वार्टर बना दे 30-40 लाख का, तो मेरा ख्याल से ये हमारा हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए भी रहेगा, और ये मैं अपील करूँगा कि सभी लोग इसमें थोड़ा सा अगर मदद करें तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर थ्रू यू आई लाइक टू नो फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर, सर ऐसा समय है हम लोग का यहाँ में फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स मेडिसिन जो है लाइफ सेविंग ड्रग से हम लोगों का जिंदगी को बचाते हैं, लेकिन इसमें बहुत सुना गया है और कहीं कहीं में डिस्ट्रिक्ट्स में खास करके अपना चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में हमने लास्ट पिछला 2-3 महीना से डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स विजिट करते हैं छानबीन करते हैं, तो सर उसमें जो मेडिसिन यहाँ से स्टेट से जो सप्लाई करता है वो नियरिंग एक्सपायरी 1 महीना या 2 महीना वाला एक्सपायरी डेट का एकदम नियरिंग वाला को सप्लाई करता है, जिसके चलते सर वो स्टॉक में तो बहुत मेडिसिन दिखाई देता है लेकिन डॉक्टर जब रिकमेंड करते हैं तो पूरा एक्सपायरी वाला होता है, इसलिए जब हॉस्पिटल से मेडिसिन को स्टॉक से आउट करते हैं डिस्पोज करते हैं तो पब्लिक ह्यूमन क्राई होता है, अरे इतना मेडिसिन हो कि भी आप लोग क्यों नहीं दे रहे। सर ऐसा गफला काफी लाइफ लोगों का जिंदगी का खिलवाड़ में भी हो रहा है, तो सर ये बहुत सीरियस मैटर है, इसलिए मैं चाहे वो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट कीजिए या डिसेंट्रलाइज कीजिए इस सरकार का ऊपर है, लेकिन मेडिसिन को सर एटलीस्ट जो लाइफ सेविंग ड्रग्स को हम लोग फुल अच्छा वाला खरीद के लोगों को पहुंचाने से अच्छा है, इसलिए सर ये मेरा सजेशन है या ये इंफॉर्मेशन हाउस के लिए मैं दे रहा हूँ। स्पीकर सर सिमाया साहब को थैंक यू, उन्होंने अच्छा बात बताया है, लेकिन मेरा रिप्लाई वही रहेगा कि सेंट्रलाइज होने का वजह से कभी कभी क्या स्टॉक ज़्यादा हो जाता है और जो ज़रूरतमंद का दवाई जो कभी कभी वहाँ पहुँच नहीं पाता है, तो हम लोग उसका ऊपर काम कर रहे हैं, ज़रूर इसका भी हम लोग सुधार लाएंगे, आप विश्वास रखिए, अभी हम लोग इसका ऊपर सभी लोग मिलके, मैं अकेला नहीं, मुझे तो आपका भी कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि आपका जगह में क्या दवाई का कमियाँ है, आपका DMO को बताना पड़ेगा कि दवाई का क्या कमियाँ है, तो उसी हिसाब से हम लोग वर्कआउट करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कैन आई जस्ट ऑलरेडी ओवर 3 सर सप्लीमेंट।